सचिवालय की जो स्टोनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी सारे के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए है, प्लस वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला ही अप्लाई करेगा, जिसको स्टेनोग्राफर आता है वही अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई एग्जाम होने वाली है नहीं है, क्योंकि अभी 4-5-6 एग्जाम बाकी है, उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो समझिए आपका ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है, अभी एग्जाम ये नहीं होने जा रहा है। तो इसी चलते सभी से, स्टूडेंट से हम मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, आपको रोजगार चाहिए तो आप इसमें भी लगिए, स्टेनोग्राफर का टैग देके अब मत हट जाइए। ओके, तो आप कीजिए का कहीं क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, एस्टेनो का क्लास, बहुत सारा क्लास चलता है स्टेनोग्राफर का, तो आप एस्टेनो का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें काम कीजिए, 4-5 महीना में आप अच्छे एस्टेनो बन जाइएगा, आप अच्छा टाइप करने लगिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो कंप्यूटर में जिसको नहीं आते, एमएस पावर पॉइंट में नहीं आता काम करना, एमएस वर्ड में काम करना नहीं आता है, एमएस एक्सेल में काम करना नहीं आता है ना, पावर पॉइंट का स्लाइड तैयार करने नहीं आता है, तो आप इसे सिर्फ दो महीने में सीख जाओगे, ये सिर्फ दो महीने में सीख जाओगे ये सब, है ना, जितने मैंने बताया है, एमएस एक्सेल है, कैलकुलेशन है, सब चीज आप दो महीने में सीख जाओगे, ठीक है। और इसके साथ स्टेनो भी सीख जाओगे, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। झारखंड में जो सचिवालय स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है आंसू लिपि की, उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा सिलेबस है, बट मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की है। और इससे पहले मैं नोटिफिकेशन का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी डिटेल डिस्कशन करा है मैंने। अब इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह एग्जाम होगी, इसमें सारा चीज का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्लास। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैंने टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाने का कोशिश किया है, और जो अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो सेंस लर्न, SENSE, सेंस LEARN, सेंस लर्न से आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, JSSC न्यू वैकेंसी 2022 स्टेनोग्राफर आंसू लिपि सचिवालय, मींस ये सचिवालय का नया वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा 28 जून 2022, 28 जून 6-22 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 27-7-2022 है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, अब डायरेक्ट हम क्या चलते हैं सिलेबस में, क्योंकि इससे पहले का सारा डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर चुका है, जो नोटिफिकेशन का वीडियो है, ठीक है। एज क्या है, कितने फीस लग रहा है ना, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक, सारा वहां डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं ना, सिलेबस में चलते हैं, बीच में एग्जाम पैटर्न में भी जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मिलता है, एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस, देखिए सिलेबस में क्या है ना, आपका हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी सिलेबस में हिंदी पूछा जा रहा है, और हिंदी में जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो अनुच्छेद बेस होगा, अनुच्छेद होगा, और ये व्याकरण होगा, ठीक है। अनुच्छेद आप समझते हैं, अनुच्छेद मीन्स क्या होता है, आपका एक पैराग्राफ दे देगा इस तरह से, ठीक है, पैराग्राफ आपका दे देगा, ठीक है, उसमें एक अनुच्छेद, इतना पैराग्राफ में आपको कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड ही यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, और
इसी क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको दिया हुआ होता है तो उसको आपको ढूंढ के आंसर लिखना होता है, जो 8, 9, 10 क्लास में जो अनुच्छेद पूछा जाता था एज इट इज पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद व्याकरण पूछे जाएंगे, तो हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी हमारा मदर टंग है तो आपको जानना होगा, ठीक है। तो संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब संधि है ना, ये सब आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत ही इजी वे में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा लैंग्वेज ही हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में पैराग्राफ पूछे जाएंगे, सेम अनुच्छेद टाइप के होते हैं, एक इसमें भी दिया जाएगा पैराग्राफ, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, उस नीचे क्वेश्चन होगा और वही से आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना है ना। तो जो 8, 9, 10, 11, 12 में जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड होता है उसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ग्रामर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ग्रामर में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है ना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन है ना, टेंस, वॉइस, फिर नरेशन है ना, डिग्री, कंडीशनल, इन सब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एरर बेस होते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा उसमें कुछ क्वेश्चन एरर कर देगा, गलत कर देगा, तो पकड़ना है कि गलत कहां पर होगा, ठीक है। सीक्वेंस रीअरेंजमेंट टाइप देगा, आपका 5 लाइन का क्वेश्चन होता है जो इधर उधर करके दे दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको आपको सीक्वेंस में डालना होगा। इस तरह से 1 से 5 तक क्वेश्चन होते हैं, उसको 2, 3, 1, 4, 5 इस तरह से आपको दे देगा, लेकिन आपको पकड़ना है कि पहला कौन होगा, सेकेंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, और ये सीक्वेंस में आपको लाके दिखाना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपका वोकैब, वोकैबुलरी, वोकैब, वर्ड पावर, आपका फ्रेजेस, फ्रेजेस, इडियम, इडियम्स, ये सब चीज पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इस बार हिंदी का जो पैटर्न है ना, देखिए जैसे थी जितनी भी वैकेंसी निकाली है सब में हिंदी को क्वालिफाइंग रखा है, सब में क्वालिफाइंग रखा है, लेकिन इसमें हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा इसका नंबर, ये हिंदी और इंग्लिश का नंबर इस बार आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें ऐड होने वाला है, ठीक है, जोड़ने वाला है। इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन आया है, ये सचिवालय का, उत्पाद सिपाही का है ना, टाइपिंग टेस्ट का है ना, सबका हिंदी का क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें ऐड होगा नंबर, ठीक है। तो बी अलर्ट और इसे अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद अब देखिए कि हिंदी है, हिंदी से कितने 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25, 25, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश से, और 3-3 नंबर के होने वाले हैं, 3-3 नंबर के, मींस ये 75 और ये भी 75, 75, 75 मींस इससे भी 75 और इससे भी 75 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मींस बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश इस बार, क्वालिफाइंग इस बार नहीं है। उसके बाद जीके आपका होगा, देखिए जीके का इसमें बोला है 25 क्वेश्चन जीके में यहां पर भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जीके में समसामयिक पूछा जाएगा, मींस समसामयिक विषय से करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और 1, 2, 3 साल के जो इंपोर्टेंट घटनाएं होती है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको एग्जांपल हम देते हैं तो यहां पर 5 साल पहले कुछ हुआ इंपोर्टेंट घटना है ना, इंपोर्टेंट इंसिडेंट हुआ, तो उसको पूछ सकता है समसामयिक में, ठीक है। अगर आप पूछेगा 2011 में वर्ल्ड कप कौन जीता था क्रिकेट का, तो ये समसामयिक में आता है ना, ये सम हिस्ट्री में ना, ये समसामयिक में आ जाएगा। अगर बोलेगा धोनी को कब मिला था राजीव गांधी अवार्ड, ये समसामयिक में आता है, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे समसामयिक विषय में, ठीक है। उसके बाद भारत देश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि भारत देश यहां पर लिख दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। भारत देश जब पूछ दिया है तो आपको जो मेन जीएस है, जनरल जीएस है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारत में प्रथम जो पहला जो होता है वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ज्योग्राफी से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी से पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है छोटे छोटे, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे छोटे छोटे इजी वे में। फिर झारखंड राज्य से पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड जीएस, इसमें भी ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इजी छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड जीएस का आपको देखिए पूरा सिलेबस सिर्फ यहां पर लिखा है सिलेबस में, झारखंड राज्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे सिलेबस के बारे में एक एक लाइन से नहीं बताया है पीडीएफ में, नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो झारखंड राज्य में क्या आपको इतिहास थोड़ा पूछ लेगा, आपका विद्रोह पूछ लेगा, हो सके नदी के बारे में पूछेगा, हो सके फॉल के बारे में पूछेगा, है ना, हो सके जिला सब के बारे में पूछेगा, स्टेट, है ना, तो उस सब के बारे में, हो सके माइन एंड मिल, खनिज सब के बारे में पूछ सकता है, छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इसमें 4-5 भाग है तो 25 क्वेश्चन है, तो 5-5 करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा वेटेज ज्यादा इसमें फोकस करना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, 5 क्वेश्चन है ना, तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना, अगर आप इसे 100 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए ना तो आपका बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और विज्ञान 10th लेवल का विज्ञान, 10th लेवल का जो डे टू डे लाइफ में आप साइंस से रिलेटेड फेस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी से हम फेस करते हैं, साइंस का मतलब बहुत से ऐसे, मान लीजिए मोबाइल का आविष्कार किसने किया, ठीक है, यहां पर फैन चल रहा है तो फैन का आविष्कार किसने किया, ठीक है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, स्कूटर का आविष्कार किसने किया, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूटन का लॉ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन, आप सांस लेते हैं, आपके पास ब्लड है, ब्लड ग्रुप पूछ सकता है, सांस में कितना ऑक्सीजन बाहर जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, है ना, ये सब आपका बोन आपके अंदर में है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, आपके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड है आपके अंदर में, ठीक है, हार्मोन्स बहते हैं, ठीक है, उस सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पीरियोडिक टेबल से अगर एक क्वेश्चन पूछ गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग में क्या बोला है, रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग पूछे जाएंगे, काफी इजी पूछे जाएंगे, इसमें कोई वेटेज मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन 25 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए रीजनिंग में समानता और भिन्नता मीन्स क्या है ना, एक दूसरे से उलट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन बना के देगा, इसमें एक दे दिया कोई चीज, ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दिया, ठीक है, तो 4 ऑप्शन होंगे, इसमें 3 ऑप्शन अलग होंगे, 3 ऑप्शन इससे एक ही जैसे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर अगर लिख देता है फूल, तो 4 क्वेश्चन इस तरह से दे दिए, ठीक है, यहां पर फूल लिख दिया, ठीक है, तो इससे अलग क्या हो सकते हैं, इसी तरह से यहां पर लिख देगा गार्लैंड, फ्लावर भी लिख सकता है, ठीक है, कमल लिख देगा, यहां पर लिख देगा आपका लोटस या सनफ्लावर, यहां पर आपको लिख देगा कार, तो इससे कौन अलग हुआ, कार तो अलग हो गया ना, तो बोला ना समानता और भिन्नता, तो ये सब समान है, फूल है, फूल में आपका कमल, सनफ्लावर और लोटस, सॉरी लीली जो भी लिखे यहां पर, है ना, वो सब एक ही है, लेकिन कार तो इससे अलग है, तो यही समानता और भिन्नता हो गया, ठीक है। स्थान कल्पना, है ना, कहीं कहीं प्लेस के बारे में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। समस्या समाधान, वर्ड प्रॉब्लम आपको दे सकता है कुछ कुछ मैथमेटिकल के फॉर्म में, ठीक है। विश्लेषण, अगर आपको सिलोजिन दे सकता है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा, अगर 2-3 ऐसे स्टेटमेंट यहां पर दे देगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, ठीक है,
तो वो सब विश्लेषण में पूछा जाता है। मैथ से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आप मिलेगा, क्योंकि नंबर पजल होता है ना, मिसिंग नंबर होते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5 यहाँ पर गैप कर देगा, यहाँ पर 7 दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, कुछ तो यहाँ पर होने वाला है, होगा ना। तो इस तरह का मिसिंग क्वेश्चन आपको पूछ देगा, है ना। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रीजनिंग आप कहीं बनाओगे ना, तो फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो जाए। कूट लेखन, बहुत सारे कोडिंग पूछे जाते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पर 3, 4, 5, 6 इसे दे दिया है ना, तो GPCD इस तरह के कोडिंग आपको, इसका ई कोडिंग है, ठीक है, तो आपको पूछ देगा DCPA का कोड क्या होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करके बताना पड़ता, ठीक है। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमने बता दिया, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप के रीजनिंग होते हैं, जिसको एक आप बना के रीजनिंग दीजिएगा, जिसे पेन और कलम का यूज किया जाता है एक रीजनिंग में, ठीक है, एक रीजनिंग में पेन और कलम का यूज किया जाता है, है ना, सॉल्व करके बनाया जाता है। अरे एक रीजनिंग होता है, उसमें पेन कलम कभी यूज नहीं किया जाता, आपको देख के, है ना, देख के खुद समझना है ना। आपको फिगर दिया हुआ रहता है, इस तरह फिगर में बनाया हुआ रहेगा आपका, इस तरह से जो भी फिगर, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 फिगर होता है ना, चार में दे देगा फिगर इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको देखिए जो फिगर ही होता है ना, ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा, ठीक है, तो इसी सब से रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड होगा, तो आपको कैच करना पड़ेगा कि इसमें क्या फॉर्म, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। और यहां पर फिर से हमको यहां पर देखना है, ये तो हो गया है ना, उसके बाद एक चीज देखिए, जो एग्जाम पैटर्न भी मिक्स है यहां पर, हाँ ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्षेत्रीय भाषा में क्या पूछेगा आपको, ये क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये कितना का होगा, 25, 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
300 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 30% लाना मैंडेटरी है। 30% से कम आप नहीं ला सकते हो इसमें, ठीक है। फिर देखिए, अब इसी के बीच में क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलता है, क्षेत्रीय भाषा में आपका बोला है कि उर्दू होगा, संताली होगा, बंगला होगा, मुंडारी होगा, हो होगा, खड़िया होगा, कुरुक होगा, कुरमाली होगा, कोठा होगा, नागपुरी होगा, पंच परगनिया और उड़िया, ये भाषाएं 11 भाषाएं हैं ना, इनमें से आपको एक भाषा चुनना पड़ेगा, है ना, एक भाषा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, जो भी भाषा आपको आ रहा। अगर आपको उर्दू आता है तो उर्दू आप भरिए, कुरमाली आता है तो कुरमाली भरिए, नागपुरी आता है तो नागपुरी भरिए, पंच परगनिया तो पंच परगनिया भरिए, ठीक है, इन सब 11 भाषा में से कोई भी, ठीक है। इसके साथ अगर इनमें से आपको कोई भाषा नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, आपको तो हिंदी आती है ना, तो हिंदी आती है तो हिंदी से रिलेटेड एक भाषा है इसमें नागपुरी, क्योंकि हिंदी और नागपुरी बहुत सारा, मतलब 60-70% हिंदी और नागपुरी मैच कर जाता है, तो जो इसको हिंदी आता है समझ, उसको नागपुरी भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटा का समय होगा, तो इसमें भी आपको 30% लाना ही लाना है, मीन्स 90 नंबर, अगर 90 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल घोषित हो जाइएगा, ठीक है, 90 से नंबर कम नहीं लाना है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करना है, क्योंकि यही चीज आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्षेत्रीय भाषा का, हो गया, देखिए क्षेत्रीय भाषा में मैंने बताया है पूरा डिटेल से, ठीक है, यहां पर, ठीक। अब देखिए जो एग्जाम पैटर्न हो रहे ना, 2 पेपर में हो रहा है, एक सेम डेट, देखिए दोनों जो पेपर होगा ना, प्रथम चरण का जो पेपर होगा वो दो पेपर होगा एक ही दिन में, सेम डेट पे दोनों पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो जो पहला पेपर होगा प्रथम चरण में ना, उसका क्या है सिलेबस, उसका सिलेबस है कि आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, स्टेनो टाइपिंग, आपको क्या करना है, 1 मिनट में 50 वर्ड करके आपको दिखाना है, मीन्स आपको एक पैराग्राफ में दे दिया जाएगा, है ना, श्रुति लेख बोलते हैं, डिक्टेशन, श्रुति लेख आपको दे दिया जाएगा एक
पेज में, ठीक है, एक पेज में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको टाइप करते जाना है। इसमें आपको 40 मिनट का समय दे दिया जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है, ठीक है, 10 और 50 वर्ड एक मिनट में, ठीक है। और उसमें भी क्या करेगा, आपको पांच मिनट आपको श्रुति लेख को पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। और अगर आप कुछ गलत करते हैं उसमें टाइप करने में, एसटीएन टाइप करने में, तो अगर आप 5% सिर्फ गलत करते हैं तो आपको उसमें नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप 5% से ज्यादा गलत कर देते हो तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, फेल, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आप देखो एक चीज, हाँ ये हो गया। उसके बाद जो प्रथम चरण में दो पेपर होगा ना, तो पहला पेपर ये और सेकेंड पेपर ये होगा, है ना, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, सेकेंड पेपर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट आपके लिए जाएंगे प्रथम चरण एग्जाम में, उसका सिलेबस यहां पर दे दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, देखिए बेसिक टेस्ट लिए जाएंगे। देखिए आपको एमएस वर्ड पर टाइप करना है आंकड़ा, कुछ आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे नंबर से रिलेटेड, उसको एमएस वर्ड पर टाइप करके दिखाना है, ठीक है, ये पहला है ना, कोई भी आंकड़ा वो प्रोवाइड कराएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, तो उसको एमएस वर्ड पर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद एमएस एक्सेल में काम करने वाले और जो नहीं भी जानते हैं वो सीख सकता है काम करने के लिए, ठीक है, एमएस एक्सेल में, ठीक है। देखिए तो एमएस एक्सेल पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, एमएस एक्सेल पर आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, वहां पर कुछ नंबर दे देंगे, उसका आपको एक तो जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, हो सके एवरेज भी निकालना पड़ेगा, तो आपको दे देगा वहां पर आपको करके दिखाना है, ठीक है। एमएस एक्सेल पर आपको पाई चार्ट और बार चार्ट भी बनाना है ना, पाई चार्ट और बार चार्ट आपको बनाने आता है कि नहीं, वो चेक करेगा यहां पर, ठीक है। फिर एमएस एक्सेल पर आंकड़ों को एमएस पावर पॉइंट में, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड तैयार करना, मींस जो एमएस एक्सेल जो आप बनाते हैं सारे चीज को कैलकुलेशन किए, उसका पाई चार्ट तैयार किए, और उसके बाद जो प्रेजेंट आपको कहीं पर करना है ना, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मींस आपको कंप्यूटर बेस में आपको स्लाइड बना के दिखाना है कि हम ये यहां पर किए हैं। इसे मान लीजिए आपको ये कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर में स्लाइड बनाना है, जिसे कभी भी कहीं पर प्रेजेंट करना होगा ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस पेज में हम ये किए, फिर अगला पेज में ये किए, वो बनाना आपको आना होगा, तभी आप इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर चार दो दिए गए हैं ना, है ना, तो जितना भी आप इसमें काम कीजिएगा, इमें टाइप कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, पाई चार्ट कीजिएगा, बनाइएगा, बार चार्ट बनाइएगा, और इस सब का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड तैयार कीजिएगा, तो इन सभी को एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म तैयार करके, आपको ईमेल आईडी पर भेजना होगा उसी समय, है ना, ईमेल आईडी पर भेजना होगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि इसको ईमेल आईडी में ये सब डॉक्यूमेंट बना के भेजना आता है या नहीं, वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका चेक होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, अगर इसमें आप फेल कर जाते हैं तो आपका जो मेन पेपर है ना उसका कॉपी चेक नहीं होने वाला है ना, इसमें और इसमें आपको नहीं फेल करना है, ठीक है। अगर इसमें फेल कर गए तो आपका आगे का कॉपी, ये कॉपी मुख्य पेपर का है ना, हिंदी इंग्लिश जीके सब और क्षेत्रीय भाषा कॉपी चेक नहीं होगा, क्योंकि पहले इसका एग्जाम हो लगा ना, तो इसका कॉपी चेक होगा, उसके बाद इसका कॉपी स्टार्ट होगा चेक करने का, और जो इसने पास करेंगे उसी का इधर वाला कॉपी चेक होने जा रहा है, ठीक है। और एक चीज, इसका और इसका मार्क्स एड नहीं होगा, ये दोनों का मार्क्स एड नहीं होने जा रहा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ टेस्ट आपका लेगा, इसका मार्क्स
मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा इसका, ठीक है। और ये दोनों मिला के 150 नंबर का आपका पूछ रहा है, ठीक है। इसमें 30% आपका, 30% आपका मार्क्स लाना है, मीन्स 45 नंबर लाना है ये दोनों मिला के। अगर आप 45 से नीचे लाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा और इधर वाले पेपर का कोई वैल्यू आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं बचा हुआ है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज, ये टेलीग्राम सेंस लर्न, जो मेरा चैनल का नाम है सेंस लर्नर, सिर्फ आप आर हटा दो और एल को सटा दो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर सारा चीज बताने की कोशिश किया है, तो आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसे देखें और हो सके तो इसे आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैंने इसे डिटेल में समझाया है। इस तरह से यहाँ पर कोई नहीं समझाता, बस बता देता है कि हाँ ये आएगा। हम मैंने एक एक चीज को बताने की कोशिश किया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।